हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो एजुकेशन हब। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आप पढ़ाने वाले हैं अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों इसमें पहले हम लोग समझेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या है। दोस्तों अनुपात का साइन होता है ये, और समानुपात को हम इस तरह से लिखते हैं। ये हो गया समानुपात का साइन, जो कि इसको हम समानुपात कहते हैं और इसको अनुपात कहते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं पहले। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन में आएगा ए अनुपात बी, इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ए अनुपात बी है तो इसको हम ए बटे बी भी लिख सकते हैं, और अगर 3:4 है तो इसे हम 3/4 लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर अनुपात में सेम संख्या से गुणा और उसी संख्या से अगर भाग किया जाए तो अनुपात में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम इसको। अगर दोस्तों हम इसको 2 से गुणा कर दें और इसमें 2 से भाग कर दें तो दोस्तों इसमें इस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी संख्या अनुपात में समान संख्या से गुणा और अगर समान संख्या से भाग किया जाता है तो उसमें उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये संख्याएं आपस में कट जाएंगी। तो दोस्तों एक उदाहरण हम आपको और बताते हैं इसी तरह का। अगर हम इससे इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करें और एक्स से डिवाइड करें तब भी एक्स एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 3:4 को हम 3/4 लिख सकते हैं। दोस्तों इसी से रिलेटेड हम 3-4 क्वेश्चन भी करके आपको बताते हैं। तब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, इसमें पूछ रहा है 2a = 3b, तब a प्लस बी और बटे a, इसकी वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों हम पहले इसको देखेंगे, इसको हम बटे के फॉर्म में लिखेंगे। तो a अपान बी बराबर ए आ जाएगा 3/2, क्योंकि अगर इसका ऐसे त्रिक गुणा होता है, इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है, अगर हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ए आ जाएगा और इसका इसमें कर देंगे तो ए आ जाएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ए बराबर 3 है और बी बराबर 2 है। तो यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको किस तरह से करते हैं, ए बराबर 3 इसमें रखिए, ए बराबर 3 और बी बराबर 2 रखिए, प्लस बी बराबर 2 और बटे ए दिया है ए बराबर 3। तो दोस्तों इसमें 2 और 3 जुड़कर 5 हो जाएगा और यहाँ नीचे 3 बचेगा। तो दोस्तों यही है इसका आंसर। दोस्तों इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें इसमें पूछ रहा है ए अनुपाते बी बराबर 5:9 तथा बी अनुपाते सी बराबर 6:11 है, तब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है ए अनुपाते सी बराबर क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। तो दोस्तों अभी तक तो हमने आपको सिर्फ 2 ही अनुपात बताया है इस तरह से, अभी ए वाला जो नीचे दिया है इसको हमने नहीं बताया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, तो उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों इसको हम हमको निकालने के लिए सबसे पहले ए अनुपात बी जो दिया हुआ है इसको हम अनुपात को बटे के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ए बटे बी बराबर 5/9 हो जाएगा, और यहाँ से बी अनुपात सी बराबर दिया है 6:11, इसको भी हम लोग बटे के फॉर्म में लिख लेंगे। बी बटे सी बराबर 6/11 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पूछ रहा है ए और सी का अनुपात, तो इस दोनों संख्या को आपस में अगर हम गुणा कर देंगे तो ए और सी का अनुपात यहाँ से निकल आएगा। तो सबसे पहले हम इसको आपस में इसका गुणा करेंगे, यहाँ से ए बटे बी गुणे बी बटे सी, और इसके बाद इसका भी यहाँ पर गुणा करेंगे 5/9 और गुणे 6/11। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर बी कैंसिल हो जाएगा और शेष बचेगा ए ए बटे सी।
ए बटे सी हो जाएगा, और यहाँ पर 5 6 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 और 11 का आपस में गुणा करेंगे तो 99 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से 30/99 इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 × 30 हो जाएगा, और ये डबल नाइन यहाँ से ये हो जाएगा 33। तो दोस्तों ए और सी का अनुपात हो जाएगा ए अनुपात सी बराबर 10/33, 10/33। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा, ए अनुपात सी बराबर 10/33। दोस्तों अगर आपको एक बार में न समझ में आया तो हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम इस अनुपात को बटे के फॉर्म में लिखेंगे, ए अपान बी बराबर 5/5/9, और फिर इसको हम बी अनुपात से दिया है 6/11 इसको हम लिख दिए, फिर इसका और दोनों का आपस में यहाँ पर गुणा कर दिए, तो यहाँ पर से 30/99 हो गया ए बटे सी के फॉर्म में इसको, फिर हम ए अनुपात सी को 10/33 लिख दिए। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। दोस्तों ये हम आपको शॉर्ट ट्रिक इसका बताएंगे, क्योंकि इसको अगर एक और मेथड आता है अगर आप उस तरह से करेंगे तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको जो निकालना है हम उसको लिख लेंगे पहले यहाँ पे ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो सबसे पहले हमको ए ढूंढना है, ए जिस जिस में है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, फिर बी जिस में है बी को हम बी के नीचे लिखेंगे, फिर सी जिस में है हम उसको सी के नीचे लिखेंगे। सबसे पहले हमको ए यहाँ पे दिख रहा है 5, हम 5 लिख देंगे, और फिर हमको बी को ढूंढना, क्योंकि अब ए नहीं है, यहाँ दो ही ऑप्शन है, दो में सिर्फ ए एक ही है, तो यहाँ पर सिर्फ हमको 5 लिखेंगे, और फिर इसके बाद हमको बी को ढूंढना है, तो बी इसमें 9 है तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, और इसमें भी बी दिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें भी बी दिया है, बी दिया है इसमें 6 6, तो इसके 9 के जस्ट नीचे हमको लिखना है 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख लिए। फिर हमको सी देखना है किस में है, सी यहाँ पर ही। दोस्तों चलिए इसको देखते हैं, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, चलिए अब हम आपको बताते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले हमको ए देखना है, ए यहाँ पे है तो ए हम नीचे लिख देंगे, ए कितना है 5 दिया है तो हम इसके 5 लिख देंगे। फिर हमको बी को देखना है, बी इसमें 9 दिया है तो यहाँ पर इसमें 9 लिख देंगे, इसमें देखो सी नहीं दिया है तो सी के आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर हमको दूसरा ऑप्शन देखना है, यहाँ पे बी 6 दिया है और सी 11 दिया है, फिर हमको इसको जस्ट नीचे लिखना है यहाँ पर, क्योंकि इसमें ए नहीं दिया है तो ए को हमको खाली छोड़ देना है, इस तरह से ए को हमको अभी खाली रखना है। तो पहले हम अब बी को देखेंगे, बी इसमें 6 दिया है तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 6, और फिर इसमें सी दिया है 11 तो इसको हम यहाँ पर 11 लिख देंगे, और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे एक खाली जगह बच रहा है और एक यहाँ पे खाली जगह बच रहा है 2, तो फिर हमको क्या करना है कि इसको 9 को यहाँ शिफ्ट करना है और फिर 6 को यहाँ पे शिफ्ट करना है, इस तरह से 9 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे और 6 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 6 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर 6 हो जाएगा, और फिर हम जब 9 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 9 यहाँ हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग देखिए कि इसका इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका इसमें आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, और इसका इसमें कर दीजिए, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा अनुपात निकल आएगा, 5 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 30 हो जाएगा, और फिर 9 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 54 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 9 और 11 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 99 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा अनुपात निकल आएगा ए और बी और सी का। इसको चलिए हम अगर इसको आप देखेंगे तो यह संख्या जो है कि 3 से कट रही होगी, तो इसको हम 3 से काटेंगे तो ए 10 हो जाएगा, और फिर इसको हम 3 से काटेंगे तो ए 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 99 है तो इसको 3 से काटेंगे तो ए 33 हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा अनुपात, इसका आंसर हो जाएगा 10/18/33।
37। तो दोस्तों यही था इसका आंसर। आपको एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों सबसे पहले तो हमको अनुपात देखना है, और जो हमको निकालना है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो फिर उसके नीचे जो दिया है, पहले के ऑप्शन में जितने भी दिए हैं, ए अनुपात ए बी बराबर 9:5:9 दिया है, तो सबसे पहले हमको ए लिखना है 5, और बी कितना दिया है 9, और फिर सी को हमको ऐसे खाली छोड़ देना है, क्योंकि पहले में सी नहीं दिया है, सी हमको दूसरे में दिया है। तो हमको दूसरा फिर देखना होगा, यहाँ नीचे से दूसरी लाइन शुरू करनी होगी। ए इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है बी 6, तो हम इसको यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर इसके बाद दिया है सी 11, तो हमको 11 लिखना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर ए खाली था, पूरा ए वाला ए खाली था, तो इसको हमको यहाँ पर 9 को शिफ्ट करना है। फिर ए वाला यहाँ पर खाली बच गया था, कुछ नहीं था, तो हमको यहाँ पर 6 को शिफ्ट करना है। फिर ऊपर ऊपर का इसमें ऊपर नीचे का आपस में गुणा कर लेना है। फिर यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर 54 आ जाएगा, यहाँ पर 99 आ जाएगा। फिर इसको हम 3 से, आप लोग देख रहे होंगे तो ए कट रहा होगा, 10 × 3 = 30 हो जाता है, और 18 × 54 हो जाता है, और यहाँ पर 33 × 99 होता है। तो इस तरह से हमारा इसका अनुपात आ जाएगा 10:18:33। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए आपको एक और नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक हम दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें है ए अनुपात बी बराबर 3:9, और फिर दिया है बी अनुपात सी बराबर 5:4। तो दोस्तों जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को बताया, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों सबसे पहले जो हमने बताया है कि पहले इसको हमको यहाँ पे लिख लेना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हमको जो इसमें दिया है पहले वाले ऑप्शन में, सबसे पहले हमको उसको देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए दिया है 3, और फिर बी दिया है 9, और फिर इसमें अब कुछ नहीं दिया है, और यहाँ पर सी के आगे हमको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सी यहाँ पर नहीं है, सी हमको दूसरे में दिया है। तो हम अब उसको उसके जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर बी दिया है 5 और सी दिया है 4, तो हमको ए नहीं दिया है, सिर्फ बी दिया है, तो बी के नीचे लिखेंगे 5 और सी के नीचे लिखेंगे 4, और यहाँ पर ए आप लोग देखिए खाली स्थान छूटा होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में सी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन छूटा होगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में ए नहीं है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो भी खाली स्थान है उसके बगले वाले नंबर को हमको इधर शिफ्ट करना है इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको 9 को शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और फिर हमको यहाँ पर 5 शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह ए भी है, इसको हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, और इसका इसमें, और इसका इसमें। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके, इसको 3 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और फिर इसमें 9 को 5 से करेंगे तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, और फिर इसमें 9 को 4 से करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये संख्या पूरी 3 से कट रही होगी, और 3 से इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 × 3 = 45 होता है, और यहाँ पर 12 × 3 = 36 होता है, तो ये 12 हो जाएगा। तो दोस्तों यही रहेगा हमारा अनुपात इन सब के बीच में, और इसका आंसर भी यही होगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 5:15:12। तो दोस्तों कैसा रहा ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों अब तक के जितने क्वेश्चन हम बताए हैं, एक क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफरेंट है, तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें पूछ रहा है यदि एक 3:1 और समानुपाते 5:8 दिया है, तब एक्स का मान इसमें निकालना है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ये जो साइन लगा है ये आपको करेगा, जो कि समानुपात का चिन्ह है, इसको हम समानुपात का चिन्ह कहते हैं, पर वीडियो के शुरू में ही हमने इसको बताया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको। इसको सबसे पहले ये दिया है 3:x, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बराबर करके, बराबर 5:8, और
हमने पहले ही बता चुका हूँ कि इसको हम अनुपात को बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3/x = 5/8। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हमको इधर से तिरछा मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना होता है ऐसे, तो इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, ये होगा 8 + 3 = 24 हो जाएगा ये, और यहाँ से 5x हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू x बराबर हो जाएगा 24/5। अब दोस्तों बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्यों नीचे हो गया और ये क्यों ऊपर हो गया। तो दोस्तों जिसके साथ x लगा हो या y लगा हो उसको हम नीचे लिखते हैं और बाकी उसको ऊपर लिखते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।